आज हम लोग ताड़गोला के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में आइस एप्पल कहते हैं। ताड़गोला खाने का काफ़ी सारा फायदा है और इसके कुछ नुकसान भी है। ताड़गोला खाने में बेहद ही स्वादिष्ट, रसीला और मीठा फल है। अगर आपके पेट में जलन महसूस होती है और पेट में गर्मी पैदा होती है, तो आप ताड़गोला खाकर पेट के जलन को कम कर सकते हैं। अगर आपको मुलायम त्वचा चाहिए, कोमल त्वचा चाहिए, त्वचा में निखारपन चाहिए, तो आप ताड़गोला ज़रूर खाएं। तो ऐसे ताड़गोला खाने का बहुत सारा फायदा है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ताड़गोला में लगभग हर एक किस्म का विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और फोलेट मौजूद होते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज ताड़गोला खाते हैं, तो उसे कई सारा विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। क्योंकि डायबिटीज़ का मरीज कोई भी फल नहीं खा सकता, किसी भी फल का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो तो उस फल को खा सकते हैं, और ताड़गोला लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता क्या है? दोस्तों, कोई भी फूड जब भी हम खाते हैं, वो अगर हमारे शरीर में जाकर धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करती है, यानी वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। उदाहरण के तौर पर, कोई भी डायबिटीज़ के मरीज को डॉक्टर चावल के जगह रोटी खाने का सलाह देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि चावल एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, वहीं रोटी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। क्योंकि चावल खाते ही हमारे शरीर में जाकर तुरंत ग्लूकोज रिलीज़ कर देती है, जिसके कारण डायबिटीज़ के मरीज को तुरंत ग्लूकोज रिलीज होने के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक बढ़ जाता है। वहीं अगर रोटी खाएंगे, तो रोटी से धीरे धीरे करके ग्लूकोज रिलीज होगी और लंबे समय तक पेट में भरा भरा महसूस होगा, उसे भूख नहीं लगेगा और शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप ताड़गोला खाकर अपने वजन को भी घटा सकते हैं, क्योंकि ताड़गोला में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती और इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। और आप एक्सेस कैलोरी नहीं लेते हो, यानी आप ज़्यादा खान पान नहीं करते हो, तो आपका ओवरऑल दिन में कैलोरी इंटेक घट जाता है, जिसके वजह से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। ताड़गोला हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। अगर आपको पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्या, जैसे कि अपच, एसिडिटी, गैस, पेट में जलन महसूस होती है, तो आप ताड़गोला आराम से खा सकते हैं। इसमें आपकी पेट में जलन कम होगी और साथ ही आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अगर सुबह को आपका पेट साफ नहीं होता, तो भी आप ताड़गोला खा सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर आपको कब्ज से राहत देती है। दोस्तों, कोई भी गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान, खासकर पहला तिमाही में, जो अक्सर महिलाओं को उल्टी महसूस होती है, कमजोरी, थकान महसूस होती है, उस समय अगर आप ताड़गोला खाते हैं, तो आपको उल्टी की समस्या कम होगी और आपका थकान, कमजोरी महसूस करना, ये सब दूर होता है। शरीर में खून की कमी पूरा होता है। इसीलिए गर्भवती महिला जरूर ताड़गोला का सेवन करे। गर्मी के मौसम में ताड़गोला किसी राहत से कम नहीं, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। अगर आप ताड़गोला खाएंगे, तो आपके शरीर में पानी की कमी पूरी होगी, आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन भी रिलीज होगा। ताड़गोला हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, तो आप बार बार बीमार पड़ने से बचेंगे। अगर आपको कोमल, मुलायम त्वचा चाहिए, त्वचा में निखारपन चाहिए, तो आप ज़रूर ताड़गोला खाएं। क्योंकि ताड़गोला खाने से आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन तो रिलीज होती है, साथ ही गर्मी के मौसम में अगर आपके त्वचा में खुजली, रैसेस या कोई घमोरिया निकलती है, तो आप उसका ऊपर से ताड़गोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ताड़गोला को अपने चेहरे पर फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका त्वचा निखरने लगेगा। तो ताड़गोला खाने का इतना सारा फायदा है, साथ ही कुछ नुकसान भी है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ताड़गोला का सेवन करेंगे, तो आपके पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा, अगर आप ज़्यादा पके हुए यानी सख्त किस्म का ताड़गोला खाएंगे, तो भी आपका पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे कि लूज मोशन, डायरिया, इस केस में आप ताड़गोला का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप लूज मोशन में या डायरिया में ताड़गोला खाएंगे, तो इसमें मौजूद फाइबर आपके लूज मोशन को और भी बढ़ा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।